ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मंगलवार है और मंगल के दिन मैं आपको एक ऐसा मंगलकारी मंत्र दूंगा जिससे कि आप मोहिनी को सिद्ध कर पाएंगे। शुक्रवार को चंद्र ग्रहण लग रहा है तो उस उपलक्ष में आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। मंत्र बड़ा ही चमत्कारी है। एक बार किसी पे कर दिया गया तो उम्र भर वो बस आपका गुलाम बन के रह जाएगा। इसको सिद्ध करना बहुत ही सरल है, इसे कोई भी सिद्ध कर सकता है। और ये मोहिनी इतनी चमत्कारी है कि मैं क्या बताऊं। दिन रात जो भी साध्य है वो सिर्फ आपका चिंतन करेगा, आप ही के ख्यालों में खोया रहेगा। एक बार ये मंत्र लगा दीजिए और उसके बाद वो उम्र भर बस आपका गुलाम। तो इस मोहिनी मंत्र को साधने से पहले आपको कुछ सावधानियां जो हैं वो रखनी पड़ेंगी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 5 तारीख को शुक्रवार के दिन चंद्र ग्रहण है, तो उस दिन आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रहण काल में जब चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, उस काल में ये जो मंत्र हैं ये सिद्ध हो जाते हैं। आपको क्या करना है कि जैसे 5 तारीख को ग्रहण है तो आपको 4 तारीख को ही कोई एक ऐसा विशेष स्थान ढूंढ लेना है जहाँ पर कि नदी हो, नदी तट हो। अब आपको क्या करना है, जो मैं मंत्र आपको दूंगा उसको आपको नदी तट में जाकर नदी में अपना आधा शरीर जो है वो डुबा देना है और आधा शरीर आपका नदी से बाहर रहे। ऐसी अवस्था में आपको यथासंभव इस मंत्र का जाप करना है और जब तक जाप कीजिएगा जब तक आप कर पाएं, जितना ज़्यादा करेंगे उतना अधिक लाभ होगा। मंत्र सुन लीजिए। मंत्र सुन लीजिए। मोहिनी मोहिनी कहाँ चली, बरा खुदाई मका चली, और देख जले बले मेरे, देख मेरे पायन पड़े, छू मत काया वाचा, गोरख का सबक सब साचा, सतनाम आदेश गुरु का। इस मंत्र को आपको सिद्ध कर लेना है। यथासंभव जितना अधिक आप करेंगे उतना ही अधिक ये शक्तिशाली बनेगा। जब ये सिद्ध हो जाए तो बिना पीछे मुड़े अपने घर आ जाएं। अगर पीछे से कोई आवाज़ भी आए तो ना सुने, बस सीधे चलते जाएं। और हफ्ते भीतर जिस भी साध्या पर ये एक बार मंत्र बोल देंगे वो बस आप ही का गुणगान करेगी। इससे आप अपने प्रेमी पति किसी का भी वशीकरण, मोहिनी इससे लगाई जा सकती है। और ये इतना प्रबल होगा कि जब तक वो इंसान आपके समीप नहीं आ जाएगा तब तक वो विचलित रहेगा, उसे अपनी सुध नहीं रहेगी। और ये इतने खतरनाक होते हैं कि एक बार लग जाए तो किसी के हटाए ना हटे। इसको अपने विवेक के साथ, अपनी समझ के साथ प्रयोग में लाएं। किसी का अहित करने के लिए इसका प्रयोग कभी ना करें। ये मंत्र मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि किसी का अगर साथी रूठ कर चला गया हो, उसको वापस बुलाना हो, कोई किसी के बात ना सुन रहा हो तो वो
इस मंत्र से वापस आ सकते हैं। किसी का अनिष्ट ना कीजिएगा। इसी कामना के साथ मैं आपको ये मंत्र देता हूँ और अपने ग्राम देवता को, अपने कुल देवता को सर्वप्रथम प्रणाम करके उनसे आज्ञा लीजिएगा और फिर इसको प्रारंभ कीजिएगा। सफलता आपकी होगी। यदि किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आई तो कॉल कीजिएगा 999-484-1625 पर। धन्यवाद।